देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मथुरा में शिक्षा विभाग की माध्यमिक विद्यालयों में झलक दिखाई दी। मागोरा थाना मागोरा क्षेत्र के गांव लोरिया पट्टी में आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की बेहतरीन झलक देखने को मिली। ये विद्यालय इस कदर बना हुआ है कि मानो कोई प्राइवेट विद्यालय बना हुआ हो। इस विद्यालय की डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत का कार्य शिक्षा विभाग के मुताबिक यहाँ की ग्राम पंचायत प्रधान मानसिंह और फर्नीचर का कार्य रतन मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर द्वारा इस कदर करवाया गया है कि इस कार्य से सरकारी स्कूल की दिशा ही चेंज हो गई। और स्वच्छता की बात करें तो यहाँ स्वच्छता बहुत ही कुछ ज्यादा देखने को मिली। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक स्कूल स्टाफ द्वारा बच्चों को लेकर वृक्षारोपण का कार्य किया गया और यहाँ के अध्यापक ने इस बेहतरीन कार्य का श्रेय यहाँ के प्रधान को दिया और मीडिया को जानकारी दी। लोकेश शर्मा है। किस पद पर कार्यरत हैं आप? सर, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ, वैसे मूल पद मेरा सहायक अध्यापक है। आपके यहाँ आज वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम हुआ है जी, क्या कहोगे इसके बारे में? सर, वृक्षारोपण आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्कूल के जो बच्चे हैं, ये नई पीढ़ी है, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझें कि वृक्षों की क्या उपयोगिता है। जब ये स्कूल में लगाएंगे तो यहाँ से कार्यक्रम हम गाँव में भी लेके जाएंगे, गाँव में भी अपने यहाँ वृक्ष लगाएं और वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, क्या क्या है, उनके बारे में इन पीढ़ी को बताना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जो आगे जाके इन्हीं पेड़ों की वजह से इस ज़मीन को, इस धरती को सुरक्षित रखने में सबसे ज़्यादा योगदान देगी। आपके विद्यालय में इतनी अच्छी तरीके से मरम्मत की है, ये बनाया हुआ है नई तरीके का, कोई अगर देखे बाहर का व्यक्ति आके तो कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सरकारी विद्यालय हुआ जी। इसका श्रेय आप किसको दोगे? देखो, इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने जिले के बेसिक शिक्षा विभाग और अपना पूरा स्टाफ और अपनी ग्राम पंचायत और श्री रतन बिमलेश मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर और श्री सुमित सत्संगी जो यहाँ और गाँव के दो तीन NGO बुजुर्ग हैं जो हमारे स्कूल में मदद करते रहते हैं, उन सबका योगदान है। और इस बाउंड्री को बनाने में ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं श्री मानसिंह जी, उनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने विशेष परिश्रम से और गांव वालों के सहयोग से इस बहुत महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया। ये 2009 का स्कूल है और जब से ये बाउंड्री यहाँ नहीं थी और अब बाउंड्री बनने के बाद ये स्कूल सुरक्षित हुआ है। बाकायदा एक अलग इसकी आकर्षण है और एक अच्छा लुक आया है स्कूल के लिए और बच्चों के हिसाब से भी बहुत सुरक्षित हुआ है। गेट बंद हुआ है, आवारा पशु जो यहाँ वृक्षारोपण हर साल होता था उनको खा जाते थे, उससे काफ़ी हमें मदद मिली है और हम विशेष रूप से प्रधान जी की हम बहुत तारीफ करेंगे। और ये स्कूल हमारे गोवर्धन में उत्कृष्ट स्कूलों में और DM साहब द्वारा जो आदर्श योजना चलाई जा रही है स्कूलों के लिए, उनमें आदर्श स्कूलों में चयनित किया गया है और यहाँ सारी सुविधाएं बच्चों के लिए, प्रोजेक्टर से पढ़ाना सब मौजूद है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।